नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और मैं हूं आपके साथ आपकी एआई एंकर आद्या। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी की बहुजन समाज पार्टी एमपी दानिश अली के अभद्र टिप्पणी पर हंगामा। दानिश के समर्थन में उतरा विपक्ष। राहुल गांधी ने दानिश को गले लगाते हुए तस्वीर शेयर की। कैप्शन में लिखा, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। उधर विपक्ष की चार पार्टियां दानिश का समर्थन करते हुए बिधूड़ी पर कार्रवाई की मांग कर रही हैं। कांग्रेस, डीएमके, एनसीपी और टीएमसी ने शुक्रवार को स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को 9 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अलग अलग राज्यों की ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। पहली बार एक साथ 9 ट्रेनें शुरू की जा रही हैं। इन 9 ट्रेनों के शुरू हो जाने के बाद देश में वंदे भारत ट्रेनों की संख्या 33 हो जाएगी। नई वंदे भारत ट्रेनें राजस्थान, गुजरात, तेलंगाना, ओडिशा, केरल के साथ साथ पश्चिम बंगाल के हावड़ा और तमिलनाडु के चेन्नई में शुरू होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10 बजे विज्ञान भवन में इंटरनेशनल वकील कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान वह जनसभा को संबोधित भी करेंगे। एक आधिकारिक बयान के अनुसार बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से 23 और 24 सितंबर को न्याय वितरण प्रणाली में उभरती चुनौतियां विषय पर अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखेंगे। हाल ही में संसद में पारित हुए महिला आरक्षण विधेयक के सिलसिले में महिलाओं की एक रैली को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी शनिवार दोपहर लगभग 1:30 बजे वाराणसी में राजा तालाब के गांजरी में बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखेंगे। पीएम मोदी 16 नवनिर्मित अटल आवासीय विद्यालयों का उद्घाटन भी करेंगे। कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड को लेकर भारत के खिलाफ नया दांव चला। ट्रूडो ने शुक्रवार को कहा कि कनाडा ने कुछ हफ्ते पहले ही नई दिल्ली के साथ इस बात के सबूत साझा किए हैं। हालांकि भारत ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है और इसे बेबुनियाद और राजनीति से प्रेरित बताया है। भारत ने पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराया। मोहाली में 27 साल बाद मिली जीत। मोहम्मद शमी की घातक गेंदबाजी के बाद शुभमन गिल, ऋतुराज गायकवाड़, केएल राहुल और सूर्य कुमार यादव के अर्धशतकों की बदौलत भारत ने यह जीत हासिल की। भारत वनडे मैच में जीत के बाद भारतीय टीम आईसीसी वनडे रैंकिंग्स में टॉप पर पहुंच गई है। भारतीय टीम टेस्ट और टी20 फॉर्मेट में पहले से टॉप पर थी। इस तरह टीम इंडिया तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 बन गई है। आईसीसी वनडे रैंकिंग्स में भारतीय टीम के 115 रेटिंग पॉइंट्स हैं। भारत के अलावा टॉप 5 टीमों में पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड की टीम काबिज है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।